Dear student of class 6, I am continuing my lecture on your chapter number 11, algebra of your math book. Last lecture में हमने 11.3 exercise करी थी, आज मैं आपको 11.4 exercise बता रही हूँ, ठीक है? Question है आपका, answer the following, first question का A part है, first question के A part के भी आगे parts दे रखे हैं, ठीक है? तो first question के A part, first A का जो first part है वो क्या है आपका? उसमें आपको दे रखा है कि सरिता की प्रेजेंट एज वाई इयर्स है. सरिता की एज प्रेजेंट एज मुझे वाई इयर्स गिवन है. प्रेजेंट मतलब आज की एज. व्हाट विल बी हर एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ. 5 इयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब होता है आज से 5 साल बाद, ठीक है? फ्रॉम नाउ मतलब 5 साल बाद, ठीक है? 5 इयर्स फ्रॉम नाउ. तो एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगी? आज की एज प्रेजेंट एज अगर वाई इयर्स है तो 5 साल बाद एज बढ़ जाएगी. अगर आज आप 12 साल के हो तो 5 साल बाद 17 साल के हो जाओगे. आप 12 इयर्स के हो तो 5 साल बाद 17 के हुए, मतलब 5 इयर्स आर एडेड. तो आज की एज अगर 5 इयर्स है तो 5 इयर्स फ्रॉम नाउ द एज विल बी 5 प्लस 5 इयर्स. ओके, दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर द एज. सेकंड पार्ट है व्हाट वाज हर एज 3 इयर्स बैक. 3 इयर्स बैक मतलब आज से 3 साल पहले उसकी क्या एज थी. आज की एज अगर 5 इयर्स है तो 3 साल पहले क्या हो जाएगी? प्रेजेंट एज में से 3 साल माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 साल पहले की एज आ जाएगी आपकी या सरिता की. तो वाई माइनस 3 इयर्स. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज सरिता ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स हर एज. व्हाट इज द एज ऑफ ग्रैंडफादर. अब ग्रैंडफादर की जो आज की प्रेजेंट एज है वो सरिता की प्रेजेंट एज की 6 टाइम्स है. 6 टाइम्स मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय सरिता से. तो सरिता की एज कितनी है वाई. तो ग्रैंडफादर की एज क्या होगी? 6 टाइम्स मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय वाई, 6 वाई इयर्स. ओके, नेक्स्ट पार्ट ग्रैंड सरिता ग्रैंड मदर इज 2 ईयर यंगर देन ग्रैंड फादर. वट इज ग्रैंड मदर से. अब ग्रैंड मदर जो है वो ग्रैंड फादर से 2 साल छोटी है. तो ग्रैंड मदर एज क्या हुई? अगर ग्रैंड फादर की एज 6 वाई है और वो जो ग्रैंड मदर है वो ग्रैंड फादर से 2 साल छोटी है, यंगर है, यंगर मतलब छोटी. तो 6 वाई में से 2 माइनस करेंगे तो ग्रैंड मदर की एज आ जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट सरिता's फादर्स एज इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स सरिता's एज. अब सरिता के जो पापा हैं वो 5 साल ज़्यादा है, मोर देन 5 इयर्स मोर देन मतलब मोर मतलब ज़्यादा, 3 टाइम्स सरिता's एज. 3 टाइम्स सरिता's एज का मतलब क्या है? 3 टाइम्स सरिता's एज का मतलब है 3 वाई. जैसे 6 टाइम्स का मतलब 6 वाई था, ऐसे 3 टाइम्स का मतलब 3 वाई हो गया. और 5 मोर मतलब 5 है. तो फादर की एज 5 मोर देन 3 टाइम्स सरिता से, मतलब सरिता की एज को 3 टाइम्स कर दिया. अगर उसमें 5 मोर कर दे, ऐड कर दे, तो वो फादर की एज आ जाएगी. अब फर्स्ट क्वेश्चन के बी पार्ट पे आते हैं. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर होल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द होल. व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज बी मीटर. ब्रेथ कितनी दे रखी है? बी मीटर. ब्रेथ दे रखी है बी मीटर रेक्टेंगुलर हॉल की. और लेंथ क्या बोला हुआ है? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 लेस देन. 4 लेस देन के लिए 4 माइनस, मोर के लिए ऐड, लेस के लिए माइनस. 4 लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ. 3 टाइम्स द ब्रेथ में से अगर 4 माइनस कर दे तो क्या आ जाएगी? लेस आ जाएगी, ठीक है? ब्रेथ इज गिवन एज बी मीटर एंड लेंथ इज 4 लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ. मतलब 3 टाइम्स द ब्रेथ में से 4 को माइनस कर दोगे तो आपकी लेंथ आ जाएगी. लेस मतलब माइनस. ओके, नेक्स्ट देखो सी पार्ट. सी पार्ट में क्या है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी हाइट दे रखी है एच सेंटीमीटर, ठीक है? और लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट. रेक्टेंगुलर बॉक्स की हाइट दे रखी है एच सेंटीमीटर. क्यूबॉइड शेप का है, एल बी और एच तीनों है रेक्टेंगुलर बॉक्स में, जैसे माचिस की डिब्बी होती है, मैच बॉक्स, ठीक है? हाइट दे रखी है एच सेंटीमीटर और लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट. 5 टाइम्स द हाइट मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय एच, दैट इज 5 एच. और ब्रेथ क्या दे रखी है?
लेंथ, मतलब लेंथ में से अगर 10 लेंथ में से अगर 10 माइनस कर दूंगी तो ब्रेथ आ जाएगी, तो ब्रेथ इज 10 लेस देन द लेंथ, मतलब लेंथ में से 10 माइनस कर दो। यूनिट सबके साथ लगाने हैं, ओके, जो गिवन है, जैसे ब्रेथ का यूनिट मीटर था तो लेंथ भी उसके अकॉर्डिंग मीटर में आ गई, हाइट सेंटीमीटर में थी तो लेंथ और ब्रेथ का यूनिट भी अकॉर्डिंग टू दैट सेंटीमीटर में आता है। डी पार्ट में आते हैं, डी क्वेश्चन में क्या है, मीना, बीना और लीना तीन लड़कियां हैं जो क्लाइंबिंग कर रही हैं हिल टॉप पे, ठीक है, हिल पे चढ़ रही हैं, और मीना जो है वो स्टेप्स पे है, ठीक है, हिल चढ़ रही है, पहाड़ी को चढ़ रही है, मीना इज एट स्टेप्स, मीना स्टेप पे है, ठीक है, मतलब समझ लो सीढ़ी है, समझ लो स्टेप, उसकी स्टेप्स भी हो सकते हैं, पांव के स्टेप भी हो सकते हैं, सपोज आप सीढ़ी मान के चलो, ठीक है, तो मीना स्टेप्स पे है, तो बीना कहां पर है, बीना इज 8 स्टेप्स अहेड, अहेड मतलब आगे, उससे आगे है, बीना जो है वो मीना से 8 स्टेप्स आगे है, अहेड मतलब आगे, तो अगर ये एस पे है तो वो आगे है, तो एस प्लस 8 पे है, वो और ऊपर चढ़ गए। अब लीना कहां पर है, लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, तो लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड है, किससे कंपेयर करना है, मीना से करना है, क्योंकि मीना को स्टार्ट में दिया हुआ है, मीना की, मीना का दे रखा है कि वो एस स्टेप्स पे है, मीना आगे है तो 8 ऐड हो गया, लीना पीछे है तो 7 माइनस हो गया, 7 स्टेप्स बिहाइंड तो एस माइनस है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आर आल्सो मेंशन, और उसे हमें एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ एस, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इज 10 लेस देन 4 टाइम्स द स्टेप वेयर मीना हैज, मीना इज देयर, मीना कहां पर है, एस पे है, तो मीना जहां पर है उसमें से 10 माइनस करना है 4 टाइम्स ऑफ स्टेप्स से, ठीक है, द स्टेटमेंट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन four times what Meena has reached, but Meena has reached, Meena कहाँ पहुँची है, steps पे पहुँची है, ठीक है, 10 less कर लेना है, 4 times where Meena has reached, Meena पहुँची है S पे, तो 4 times का हो गया 4S, और 10 minus करने के लिए 10 minus हो गया, ठीक है, अगेन बता रही हूँ, total number of steps is 10 less than, 10 less के लिए 10 minus करना है, where 4 times where Meena has reached, एक बस जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है, और उसे जाना है दासपुर से 20 पुर, ठीक है, उसे जाना है दासपुर से 20 पुर, अब 5 घंटे का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 5 घंटे का डिस्टेंस बस ने ट्रेवल कर लिया, अब देखो पहले तो पता होना चाहिए इस किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, 20 किलोमीटर पर आवर मतलब एक 1 आवर में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस बस कवर कर लिया, तो 5 घंटे में 5 घंटे बस चलती, 5 घंटे बस चलती तो कितना डिस्टेंस कवर किया बस ने, डिस्टेंस कवरिंग 5 आवर्स, अगर 1 घंटे में 20 किलोमीटर है तो 5 आवर्स में 5 ही डिस्टेंस कवर हो गया, 5 ही किलोमीटर, ठीक है, अब बोला है कि 5 घंटे डिस्टेंस कवर करने के बाद भी दोनों दासपुर और 20 पुर के बीच में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी भी बच गया, ठीक है, 5 घंटे बस चल दी, ठीक है, दासपुर से 20 पुर की तरफ, और अभी भी दोनों, अभी भी वो 20 पुर नहीं पहुंच पाई है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो स्टिल लेफ्ट है, तो हमें बताना है दासपुर और 20 पुर में कितना डिस्टेंस है, अब 5 घंटे में 5 ही डिस्टेंस कवर कर दिया, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी भी रहता है, इस
का डिस्टेंस दासपुर से बीसपुर कितना हुआ, 5e + 20 जो मैंने कवर कर लिया और जो मेरा रहता है। योर एक्सरसाइज इज ओवर एंड ऑल्सो योर चैप्टर इज ओवर। यू हैव टू प्रिपेयर इट एंड इफ एनी प्रॉब्लम अकर एंड